नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम में सी आई टी एन के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आइए इस समावेशी कक्षा के जरिए अपने समझ के दायरे को और विस्तृत करते हैं आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर ग्यारह पर कक्षा ग्यारह के बच्चों के लिए ये हिंदी का सत्र है आपकी पाठ्य पुस्तक से हमने चैप्टर आज के लिए लिया है चैप्टर नंबर तीन टॉर्च बेचने वाले ये आज का हिंदी का विषय है और आप सभी इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे या फिर आपके मन में चैप्टर से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर क्योंकि ये एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन है आप हमें फ़ोन कीजिए नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ये है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पाँच पाँच नौ या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आप सावरी रोहिला हैं और मैं आपका इस सत्र में स्वागत करती हूँ सावरी हमारे साथ आज का ये सत्र लेने के लिए सर हिम्मत सिंह नेगी हैं आप फ्रीलांस कंसल्टेंट टीचर हैं सर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र, सत्र में थैंक यू क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा से ये चैप्टर लिया गया है टॉर्च बेचने वाले और कक्षा ग्यारह के बच्चों के लिए जब भी कोई पाठ्य पुस्तक में किताब में चैप्टर ऐड किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है एक मोटिव होता है कि आपको जो है कक्षा में क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से तो चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये चैप्टर पाठ्य पुस्तक में क्यों शामिल किया गया है जी मैम ये पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यंग विधा है जिसके लिए हरिशंकर प्रसाद जी जाने जाते थे और छात्रों को विभिन्न साहित्यिक विधाओं के बारे में बताने के लिए व्यंग क्या चीज होती है ये बताने के लिए इसको ग्यारहवीं के कक्षा के छात्रों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो व्यंग विधा को भी समझें कि व्यंग क्या होता है उसकी क्या गहराई है वो किस तरह से कटाक्ष करता है और बात कहने की कौन सी शैली विकसित करता है इसीलिए कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों के लिए ये पाठ्यपुस्तक में रखा गया है मैम जी तो ये तो हमने जान लिया सर कि ये एक व्यंग्यात्मक रचना है और इसके जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई है लेकिन इनका परिचय भी हम अपने बच्चों के लिए आपसे जानना चाहेंगे हरिशंकर जी परसाई के बारे में भी बच्चों को बताएं। जी, जी 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 जैसा कि हरिशंकर परसाई जी जिनका जन्म जमानी गाँव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ इनकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की और साहित्यिक पत्रिका वसुधा से भी आप जुड़े रहे उल्लेखनीय रचनाएं इनकी हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे तप की बात और थी बेईमानियों बेई की परत विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग लेख संग्रह इत्यादि और ये जो आज की रचना है वो भी जो है हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखी है तो प्रसाई जी ने जो व्यंग विधा लिखी है व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की है उन्होंने मतलब व्यंग विधा को स्थापित किया उनके व्यंग लेखन की विशेषता होती है कि वो समाज में आई विसंगतियां जो भी परेशानियां होती हैं विडंबना पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं मतलब केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखते उनकी बातें इस तरह की होती है कि वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं और आज का जो हमारा व्यंग है उसमें भी हम ये देख पाएंगे उनकी विशेषता क्या थी व्यंग की कि भाषा प्रयोग में प्रसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं कौन सा शब्द कब और कैसे प्रभाव पैदा करेगा बखूबी जानते हैं तो मैम इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को अपने छात्रों को दो ऑडियो सुनाना चाहता हूं कृपया वो ऑडियो सुनते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं एक पहली ऑडियो हे भक्तजनो तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही चीज चाहिए वो है प्रकाश तुम्हारे अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश और वो प्रकाश तुम्हें देगा तुम्हारा ये गुरु एक तो ये हो गई और एक दूसरी ये टॉर्च ले लो टॉर्च रंग, रंग बिरंगे टॉर्च टॉर्च काला टॉर्च पीला टॉर्च नीला टॉर्च हरा टॉर्च रंग बिरंगे टॉर्च टॉर्च ले लो जी मैम अभी आपने दो ऑडियो सुने पहला ऑडियो था उसमें क्या आपने सुना जी ये एक साधु थे जो कि प्रवचन दे रहे हैं या फिर अपने जो भी भक्त हैं जो उनके शिष्य हैं उनको कुछ समझा रहे हैं और दूसरी एक विक्रेता है और गलियों में या तो वो टॉर्च बेचता फिर रहा है ऐसी आवाजें लगा रहा है जी तो दोनों में कोई समानता आपको अनुभव हो रही है कि दोनों में कोई दूर दूर तक समानता है हाँ कहीं ना कहीं ये समानता तो है कि जो साधु हैं वो अपनी बातों के जरिए जो है प्रकाश जो है स्थापित करना चाहते हैं और वहीं टॉर्च बेचने वाला भी जो है उसका भी मोटिव यही है कि अगर रात है अंधेरा है हुँ. तो आपको टॉर्च की जरूरत पड़ेगी प्रकाश के लिए जी लेकिन ये कैसे अनफोल्ड होता है कैसे ये खुलता हुँ. है वो अब हम इस व्यंग के माध्यम से जानेंगे तो जैसा कि स्क्रीन पर शुरुआत होती है व्यंग की वह पहले चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा कल फिर दिखा मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था मैंने पूछा कहां रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है उसने जवाब दिया बाहर गया था दाढ़ी वाले सवाल का उसने यह जवाब दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो उसने कहा वो काम बंद कर दिया है अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल रहा है ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं जी। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वो इसी तरह से हराम खोरी पर उतर आता है किससे दीक्षा ले आए मेरी बात से उसे पीड़ा हुई उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए आत्मा सबकी एक है मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं तो लेखक जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो टॉर्च बेचा करता था पहले ठीक है। अब अचानक से वो टॉर्च बेचना छोड़कर उसने दाढ़ी बढ़ा ली है कुर्ता पहन लिया है अपना रूपाकार बदल लिया है तो लेखक बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा कि अचानक से तुम पहले जब टॉर्च बेचा करते थे तुमने अपना रूप परिवर्तन क्यों कर लिया तो उसने कहा कि अब मुझे दूसरी समझ आ गई है मेरी आत्मा में प्रकाश उतर आया है और मैं अब थोड़ा सा बदल गया हूं क्योंकि मुझे एक नई अनुभूति होने लगी है तो लेखक ने कहा ऐसा तो लोग ढोंगी करते हैं है? या जब जिनको कुछ मेहनत नहीं करनी होती कमा के नहीं खाना होता वो इस तरह की चीजें करते हैं तो लेखक ने इस तरीके से चीजों को किया तो लेखक के लिए एक एक तरह से शॉकिंग चीज थी कि ये जो टॉर्च बेचने वाला एकदम से साधु कैसे बन गया या ऐसे भगवान की बातें करने लग गया क्योंकि दूर दूर तक कोई सामने नहीं है ना तो फिर एकाएक ऐसे कैसे हो गया लेखक ने पूछा क्या बीवी ने त्याग दिया उधार मिलना बंद हो गया है साहूकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है या चोरी के मामले में फंस गए हो अब देखिए जिस व्यंग की हम बात कर रहे थे व्यंग में क्या है कि सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहते अब लेखक ने किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया कि भाई एकाएक कैसे -एक कैसे हो गए अब व्यंग क्या है बीवी ने त्याग दिया क्या अक्सर हम लोग मजाक में भी इस तरह की चीजें करते हैं हालांकि लैंगिक आधार पर ऐसा नहीं भी बोलना चाहिए लेकिन इस तरह की परंपरा रही है तो व्यंग के आधार पर बता रहे हैं। कि बीवी ने त्याग दिया क्या बीवी से परेशान हो बीवी ने छोड़ दिया आपको या फिर उधार मिलना बंद हो गया अक्सर लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा कि उधार लेने के बाद उधार नहीं चुका सकने की सूरत में इधर उधर भागने लगते हैं अपने आप को छुपाने लगते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि स्केप क्यों भागना क्यों उधार मिलना बंद हो गया क्या साहूकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है जी। उस समय लोग काफी उधार लिया करते थे ब्याज पर जब ये रचना लिखी गई थी तो उन्होंने कहा साहूकार ने तंग करना बंद कर दिया या किसी चोरी के मामले में फंस गए हो मतलब कई बार आपराधिक गतिविधियों में फंस जाता है तो अपना रूप बदल लेते हैं ना अक्सर आपने देखा होगा कि रूप बदल के लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं तो व्यंग के जो चार बुलेट पॉइंट से आप देखेंगे कि एकाएक ऐसे कैसे हो गए बीवी ने त्याग दिया उधार मिलना बंद हो गया क्या साहूकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया या चोरी के मामले में फंस गए फंस गए आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया जी तो ये व्यंग की जहां पर जो है उसको मजाक में या फिर एक चुटकी लेते हुए जो है वो बात को कहते हैं और फिर रचना को जब हम उस हिसाब से पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों को भी आनंद आता है हम उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं जी आनंद भी आता है और शिक्षा भी मिलती है और उनकी भाषा भी शैली भी जो है वो आ, बहुत धारदार और पैनी होती है अब सीधा सीधा आप कहो आप अब अगर यही चीज लेखक उनसे बोलते कि क्या हुआ सिर्फ एक प्रश्न करते तो वो नहीं बोल पाते अब उन्होंने पांच लाइनों के आधार पर उनसे पूछना शुरू किया क्या ऐसा हो गया क्या ऐसा हो गया क्या ऐसा हो गया क्या ऐसा हो गया वो व्यंग था दूसरी तरफ के लोगों पर कि जो भी इस तरह के काम करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं अब अगली बात यह कि एक घटना जिसने उसका जीवन बदल दिया अब वो व्यक्ति बता रहा है कि पांच साल पहले दोस्त के साथ हस्ताश बैठे हुए एक सवाल खड़ा हुआ अक्सर हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कुछ परेशानी की बातें हम लोग चर्चा पर रखते हैं पैसा कैसे पैदा किया जाए जी। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि किस तरह से पैसा कमाया जाए तो अक्सर हम लोग कहते हैं कुछ काम नहीं मिल रहा तो लाख कोशिश के बाद भी वो सवाल नहीं टला कि पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करना होगा ठीक है हम उसी वक्त निकल पड़े दोस्त ने कहा यार साथ ही क्यों ना चल पड़े मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं जाके कुछ करते जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं साथ जाने में किस्मतों के टकरा कर टूटने का डर रहता है बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी लोक कथाओं से ये चीजें आती हैं वो व्यक्ति कह रहा है कि किस्मत जिनकी खुली है उन्होंने जब भी इस तरह के निर्णय लिए वो अलग अलग दिशा में गए हैं अलग अलग दिशा में जाएंगे अलग अलग तरीके के काम करेंगे तो उन दोनों की किस्मत अलग अलग तरीके से खुलेगी तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग एक साथ नहीं जाएंगे ठीक है अलग अलग जाएंगे अलग अलग, अलग दिशा में जाएंगे और अलग अलग काम हम लोग करेंगे है ना अब एक ने क्या किया पहले परसाई जी इसको खोलते हैं आपके सामने जी। वो बता रहे हैं कि उसने क्या किया मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता बहुत नाटकीय ढंग से कहता अब नाटकीय ढंग से क्यों कहता क्योंकि अगर आप सामान्य तरीके से बोलेंगे तो लोग प्रभावित नहीं होंगे लोग आपकी चीजों को खरीदेंगे नहीं नहीं। तो कैसे कहते थे वो आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है रातें बेहद काली होती हैं आदमी को रास्ता नहीं दिखता वो भटक जाता है उसके पांव कांटों से बिंद जाते हैं वो गिरता है उसके घुटने लहू लोहान हो जाते हैं उसके आसपास भयानक अंधेरा है शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं साप जमीन पर रेंग रहे हैं अंधेरा सबको निगल रहा है अंधेरा घर में भी है आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है सांप उसे डस लेता है वो मर जाता है लोग मेरी बातें सुनकर डर जाते भर दोपहर में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते अच्छा यह बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि रचना शायद उस समय लिखी गई है जिस समय प्रकाश और इस तरह की स्थितियां बहुत उपलब्ध नहीं थी हर जगह इस तरह की स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी उस समय टॉर्च एक महत्वपूर्ण चीज होती थी टॉर्च बहुत बेचे जाते थे आजकल तो हम लोग देखते हैं कि हमारे मोबाइल में भी टॉर्च है हमें कभी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती तो मोबाइल से हम लोग टॉर्च ले लेते हैं उस समय टॉर्च बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी तो पहले भाग में क्या कर रहा है वो व्यक्ति वो अंधेरे का डर दिखा रहा है डर दिखा के स्थापित कर रहा है वो कह रहा है कि अंधेरे का डर जो मैं दिखा रहा था उसकी वजह से भरी दोपहर में भी अंधेरे के डर से लोग कांपने लगते थे है ना और वो कहता है आदमी को डराना कितना आसान है आगे वो बोलता है सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करो अब इतने में काफी लोग उस टॉर्च को खरीद लेते थे अब एक को देख के दूसरा भी खरीदने लगता था वायदे के मुताबिक ठीक पांच साल बाद मैं उस जगह पर पहुंचा उन्होंने डिसाइड किया था ना उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा काफी उसकी बिक्री होने लगी लेखक भी उससे मिलता रहता था देखता रहता था तो उसकी काफी बिक्री हुई जी। तो काफी बिक्री होने के बाद उसने कहा अब तो बिक्री हो हो गई है साल हो गए। साल गए मैंने इस धंधे को किया काम को किया काफी पैसे कमाए चलो दोस्त के पास चलते हैं कि उसने क्या किया पांच साल में है ना जी। तब पहले मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि मैसेज किया व्हाट्सएप किया या फोन किया और पता कर लिया कि तू कहा है पांच साल बाद अब उनको मिलना था वहां दिन भर में उसकी राह देखी उस स्थान पर गया दिन भर उसकी राह देखी वो नहीं आया ठीक क्या हुआ अब वो सोचने लगा क्या वो भूल गया हाँ। या वो संसार संसार में ही नहीं है मतलब असार मतलब जिस संसार का कोई सार ना हो जी। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा जाहिर सी बात है कि अब उसे ढूंढने निकला मैदान में खूब रोशनी है अब एक जगह पर गया वो ठीक है जहां उसने देखा कि मैदान में काफी रोशनी है एक तरफ मंच सजा हुआ है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं अब ये उनका वर्णन कर रहा है उस व्यक्ति का जो मंच पर बैठे हैं जी। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लह लहाते लहराते लंबे केश है मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया उसने कहा कि क्या है कौतूहल उस समय इस तरह के टीवी वगैरह और इस तरह के प्रोग्राम भी नहीं होते थे तो जो भी प्रोग्राम होता था लोग उसको बड़े चाव से देखा जाते थे बता रहे हैं कि लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं वो भीड़ में कोने पर जाकर बैठ गए भव्य पुरुष कोई संत लग रहे थे एक व्यक्ति को देखा बहुत भव्य थे अच्छा रेशमी वस्त्र पहना हुआ है दाढ़ी बड़ी हुई है लोग काफी सारे उस, उनके आस पास हैं है ना अब अब उन्होंने क्या किया गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया जैसे आकाश से कोई रहस्य संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा हो अब उन्होंने कहा उनकी वाणी भी बड़ी गंभीर थी अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के प्रवचन करने वाले व्यक्ति जो हैं वो गंभीर वाणी में ही बोलते हैं है ना बिल्कुल वो कह रहे थे अब वो क्या कह रहे हैं साधु मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं गंभीर वाणी में उसके भीतर कुछ बुझ गया है यह युग ही अंधकार में है यह सर्वग्राही है अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है उदर मतलब पेट आज मनुष्य अंधकार से घबरा उठा है जी। वो पथ भ्रष्ट हो गया है आज आत्मा में भी अंधकार है मानव आत्मा अंधकार में घुटती है जी। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है <laughs> अब ये सुनते ही उसकी हंसी छूट गई अब हंसी क्यों छूटी होगी मैम आपको क्या लगता है जी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं उसके अपने मुंह से भी सुने सुनाए लग रहे होंगे क्योंकि जब वो टॉर्च बेचता है तब वो भी कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का, का यूज करता है बिल्कुल ठीक कहा आपने अब क्योंकि वो धीर गंभीर वाणी में बोल रहा था और बाकी उसके भक्त थे तो उनको वो बात अच्छी नहीं लगी लेकिन उसको लगा ये तो मैं भी तो सेम ही बात बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूं भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे भाइयों और बहनों डरो मत जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है अंधकार में प्रकाश की किरण है जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है प्रकाश बाहर नहीं है उसे अंतर में खोजो मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं तो यह बात सुनकर वो फिर हंसने लगा मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं हमारे साधना मंदिर में आकर ज्योति को अपने भीतर जगाओ वो खिल खिलाकर हंस पड़ा जी तो अब आपको क्यों लगता है मैम क्यों हंसा होगा वो खिल खिलाकर जी अब उसको लग रहा होगा कि अब यहाँ जो उसने अपनी लाइन जोड़ी थी कि आप जो है ये टॉर्च खरीदी वहाँ जो है वो एक साधु जन है उन्होंने कह दिया है कि आप हमारे पास आए या हमारे संगत में बैठें तो हम आपको उस प्रकाश से अवगत कराएंगे जी अब देखिए व्यंग की भाषा शैली देखिए वो व्यंग में कितनी धारदार बात है कि प्रसाई जी ने दोनों पात्रों को एक ही तरह की भाषा दी है बिल्कुल समान भाषा वो बोल रहा है समान भाषा वो बोल रहा है दोनों के स्टेप भी देखिए पहले स्टेप में वो डरा रहे हैं कि अंधकार है परेशानी है मनुष्य के हृदय में अंधकार है पहले डराया टॉर्च बेचने वाले ने भी वो किया और ये जो साधु जी बैठे हैं इन्होंने भी वो किया और दूसरे स्टेप में टॉर्च बेचने वाले ने भी यही कहा कि आप मेरा टॉर्च खरीदिए और ये कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ आइए है ना क्या कहते हैं वो मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं हमारे साधना मंदिर में आकर ज्योति को अपने भीतर जगाओ तो दोनों ने एक ही तरह की बात की एक जो है वो टॉर्च जो फिजिकल टॉर्च है वो बेच रहा है और दूसरा अपना दूसरा ज्ञान का प्रकाश बेचने की कोशिश कर रहा है ना जी। अब उसके मन में काफी जिज्ञासा हुई बड़ा कौतूहल हुआ कि ये भव्य पुरुष जो है वो सेम बात कर रहा है इनसे मिलूं तो जाके कौन है व्यक्ति अब भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे मैंने उन्हें पास से देखा मैं इतने सालों घूम घूम कर टॉर्च बेचता हूं क्या तू भी टॉर्च बेचता है अब वो व्यक्ति जो था उन्होंने उसको देख के पहचान लिया कि तो ये वही व्यक्ति है मेरा दोस्त है ये हाँ। है ना तो वो बात जब करने लगे कहने लगे मैं इतने सालों घूम घूम कर टॉर्च बेचता हूं क्या तू भी टॉर्च बेचता है भाई तूने क्या किया इतने सालों में क्योंकि बात तो तू सेम कर रहा है जो मैं कह रहा हूं वही तू कह रहा है लेकिन तू क्या कर रहा है तो उसने कहा मैं लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता हूं तू भी तो उसने क्या कहा तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं चाहे कोई दार्शनिक बने संत बने या साधु बने अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है अब वो वो यही कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही तू कह रहा है जी। मैं एक वस्तु बेच रहा हूं उसमें लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा हूं और उसके आधार पर मैं लोगों से पैसा कमा रहा हूं सेम चीज तुम कर रहे हो तुम भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहे हो और उसके साथ साथ अपना ज्ञान की बात करके तुम उसको बेच रहे हो जी। मैंने क्या किया मैंने उतनी उपलब्धता नहीं हासिल की जो तुमने की है मेरे पास वो गाड़ी नहीं लेकिन तुम्हारे पास वो गाड़ी है तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। जी यहाँ व्यंग को बहुत अच्छी तरह से स्थापित करते हुए जो है लेखक चल रहे हैं कि दोनों ही तरफ के दृश्य दिखाए फिर वही सीक्वेंस चला कि पहले तो दोनों तरफ से डर दिखाया गया फिर आखिर में सॉल्यूशन भी दिया गया कि आप हमारी टॉर्च खरीदें वहीं दूसरी ओर साधु ने सॉल्यूशन दिया कि आप हमारे मंदिर में आए तो बहुत परस्पर ये दोनों चीजें चल रही हैं और कहानी में ये जो व्यंग है या फिर कुछ कहूँ कि हाथ से चुटकियां भी जो ली जा रही हैं उसमें अच्छा आनंद आ रहा है जी अच्छा आनंद आ रहा है दूसरी बात है कि आप ये देखेंगे कि एक व्यंग की शैली में यही है कि वो पाठकों में कौतूहल पैदा करता है अब अचानक से वो शुरू में उसी चीज को रिवील कर देते कि वो व्यक्ति कौन था तो फिर हमें वो मजा नहीं आता वो आनंद नहीं आता और व्यंग उतना धारदार नहीं होता उन्होंने पहले उसको स्थापित किया कि एक व्यक्ति लेखक से बात कर रहा है और लेखक से अपनी पूर्व पीठी का बता रहा है मतलब पूर्व में उनकी उनके जीवन में क्या हुआ और उसको आगे लेके चला गया और वो कहानी के माध्यम से बता रहा है और व्यंग को और धारदार करता रहा तो आगे जब वो दोनों मिले मैम वो दोनों दोस्त मिले तो उनके पास वो रहा जी, आगे क्या कहता है वो व्यक्ति कि मैं दो दिन उसके पास रहा, तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी मैं नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया अब अब देखिए उन्होंने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया होगा आपको क्या मैम लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा सूरज छाप जो बेचता था टॉर्च उसने नदी में फेंक दिया

बाबा बन गया साधु बन गया लेकिन जरूरी नहीं कि टॉर्च बेचने वाला भी वैसा ही साधु बन पाए या उसी तरह का और क्रिएट कर पाए तो इसमें व्यंग में यह भी कहा गया कि हर व्यक्ति जो है उस काम के लिए नहीं बना होता है हालांकि इन्होंने वही किया कि उसने सूरज छाप टॉर्च को पेटी में पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया जी। और तब वो लेखक पूछता है तो अब कौन सा धंधा करोगे तो क्या जवाब देता है धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा बस कंपनी बदल रहा हो जी यहाँ वो एक कहावत है बिल्कुल सटीक बैठती है कि दूसरे का महल देखकर जो है ना वो अपनी झोपड़ी को नहीं खत्म कर देना चाहिए यहाँ जो टॉर्च बेचने वाला है उसे एक तरह से एक फेंटिसाइज हुआ कि अरे वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है तो क्यों ना मैं भी ये टॉर्च बेचने का धंधा छोड़ कर जो है अपनी कंपनी चेंज कर लेता हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से जो है बात को स्थापित किया जा रहा है जी यही है कि एक दूसरे को देख हम लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं अपना मानस तैयार करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी अपनी मौलिकता को बना के रखना चाहिए जरूरी नहीं कि जिस कार्य में वो सफल हुआ है तो उसमें आप भी हो सकते हैं अब अगर ये ये करता कि टॉर्च बेचने का धंधा और करता और ऐसी कोई टॉर्च बना लेता जिसकी कंपनी बना लेता तो हो सकता था वो भी उस कार्य में सफल हो सकता था लेकिन व्यंग की यही खासियत है कि व्यंग टॉर्च बेचने पर और प्रकाश पर नहीं था व्यंग था किस प्रकार से व्यक्ति जो है किसी का शोषण करता है अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है जी। तो व्यंग इस धारदार तरीके से आगे बढ़ता है ना तो अब जैसी आखिरी व्यंग की विधा को स्थापित करती है छात्रों के लिए भी कि भी व्यंग में क्या पैनापन होता है तो जब लेखक उससे पूछता है कि तो अब कौन सा धंधा करोगे भाई आप साधु बन तो नहीं रहोगे ना धंधा भी तो कुछ करोगे अब उन्होंने कितनी मार्मिक और तीखी बात कही कि धंधा वही करूंगा मतलब काम वही है मेरा जी मैंने भले भेज बदल लिया हो मैंने दाढ़ी बढ़ा ली हो मैंने कुर्ता बदल लिया हो बाहर का आवरण बदल लिया है जी। लेकिन अंदर से धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा साधु बन के भी टॉर्च ही बेच रहा हूं मैं अंधकार दूर करने की बात करूंगा है ना बस कंपनी बदल रहा हूं मतलब मैंने अपना लेबल बदल लिया पैकेजिंग मेरी वही है लेबल क्या ले लिया मैंने कंपनी क्या ले ली या मतलब एंटरप्राइज क्या ले ली मैंने मैं बन गया हूं अब साधु बाबा गुरु यानी कि काम वही करना है मैंने सेम कॉन्टेक्ट टेक्स्ट को बदल के यहां पर फिक्स कर देना है और बात वही करनी है तो ये व्यंग इस तरीके से मैम काम करता है और परसाई जी की जो शैली थी वो इसी प्रकार से पाठकों को गुदगुदाती है सोचने पे मजबूर करती है और बहुत ही गहरे तक उनके अंदर वो घुसती है और उनको उद्वेलित और आंदोलित करती है जी आप सभी देख रहे हैं आज समावेशी कक्षा के माध्यम से कि हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया गया पाठ पढ़ रहे हैं टॉर्च बेचने वाले यहीं हमने पाठ में जो व्यंग्यात्मक रचना है उसको जान रहे हैं और कैसे एक व्यंग के माध्यम से हंसते हंसाते बच्चों को जो है ना ये विद्या सिखाई जा रही है और यहाँ सर क्योंकि टॉर्च की बात हो रही है और टॉर्च की महत्वता पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह आपसे लेना चाहेंगे कि अगर टॉर्च पहले के समय में होती थी तो

पहाड़ी रास्तों से गुजरना होता था डगर से गुजरना होता था और टॉर्च इतना महत्वपूर्ण चीज होती थी कि सरकारी योजनाओं में भी मैम अगर कोई आपने अच्छा काम किया है कोई पुरस्कार जीता है कोई सरकार की योजना आई है तो उसमें भी वो टॉर्च दिया करते थे जी। क्योंकि टॉर्च जो है रोजमर्रा के जीवन पर आधारित था इसीलिए शायद व्यंगकार ने भी उसको लिया है टॉर्च एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया है क्योंकि नाना जी से पूछकर देखिए तो से सेवानिवृत्त हुए हैं रिटायर हुए तो उन्हें गिफ्ट के तौर पर जो है ना जरूर टॉर्च भी दी गई होगी बिल्कुल बिल्कुल अभी पुराने टॉर्च भी रखे उसमें सेल डाल के इस्तेमाल किया करते थे और टॉर्च का जो महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे अगर आज के समय में व्यंग कार लिखते तो आज टॉर्च पर नहीं लिखते मैम हो सकता मोबाइल पर लिखते लैपटॉप पे लिखते लैपटॉप या टॉर्च मोबाइल को इस्तेमाल करते एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते और फिर अपनी बात कहने की कोशिश करते लेकिन जब भी इसको पढ़ें आप सभी छात्र से छात्रों से मेरा निवेदन है तो थोड़ा सा पहले के समय में जाकर देखें कि उस समय की स्थितियों के हिसाब से देखें तो आपको उसका राजनीतिक सामाजिक परिवेश समझ आएगा कि उस समय एक टॉर्च का क्या महत्व था जी जी सर क्या व्यंग रचनाओं में हम हास्य के शब्द तो डालते ही हैं लेकिन क्या वहां पर मुहावरे और लोक्तियां भी इस्तेमाल की जाती हैं जी जी मुहावरे और लोकोक्तियां भी जो है वो व्यंग को धारदार बनाती हैं क्योंकि उस समय के लोग उन चीजों से ज्यादा समझते थे पहले लोग उस तरह से पढ़े लिखे तो होते नहीं थे शिक्षा दर धीरे धीरे भारत में बढ़ी है और सब पूरे विश्व में बढ़ी है तो अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था और वो उसकी जान होते थे कि भाषा की समृद्धि भी उस पर निर्धारित होती थी और लोगों को अच्छी तरह से बात भी समझ आ जाती थी है ना तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि व्यंग को और धारदार बनाने के लिए लोक ओक्तियां और मुहावरों का इस्तेमाल भी करते थे जी ऐसे में जो देसी भाषा के शब्द हैं जैसे हमने इस पाठ के माध्यम से भी देखा कि कई जगह पर बहुत देसी शब्दों का जो है ना बिल्कुल आम बोलचाल के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है आप बच्चों को अगर कुछ ऐसे शब्द बताना चाहें तो जरूर बताएं सर जी जी जी, जी कुछ शब्द हैं हमारे पास आ, जैसे अगर मैं इसमें ही जाऊँ तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग जी देशज शब्दों के अंदर जैसे देशज विदेशज इस तरह के शब्द होते हैं जी जैसे यहाँ है क्योंकि बूझ पा रहा हूँ हाँ बूझ बूझना बूझने का अर्थ क्या है बूझने का अर्थ ना समझने से रिलेटेड है ना एक मिनट में हाँ, चार रास्ते आकर मिलते हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, लहु लुहान लहु लुहान मतलब खून से बिल्कुल लथपथ हो जाना जी और भर दोपहर ये भी एक ऐसा शब्द है जो हम देसी भाषा में सुनते हैं जी जी देश शब्दों के अंतर्गत आता है वो भी और एक एक ये था गंभीर जी यहाँ प्रवचन शब्द भी जो लिया गया है ये भी हम आम बोलचाल की भाषा में भी सुन पाते हैं सर जी 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 उधर उधर तो खैर हिंदी का ही शब्द है लेकिन बहुत अच्छा शब्द है हाँ। जी आ, सर क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से ऐसे वर्ड्स भी आए हैं जो टफ वर्ड्स भी रहे या फिर मैं कहूँ कि पाठ के की, मुख्य कीवर्ड्स भी रहे तो उन पर हम बात कर लेते हैं बच्चों ने आज कौन से मुख्य शब्द जो हैं इस पाठ के माध्यम से सीखे बच्चों ये सारे मुख्य शब्द आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं पहला शब्द है सर्वग्राही हताश श्रोता मौलिक दार्शनिक सर इन शब्दों का आप सरल भाषा में आप मतलब बताना चाहेंगे हमारे बच्चों जी 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 ये बिल्कुल तत्सम शब्द हैं तत्सम मतलब जैसे के तैसे इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वग्राही मतलब सब कुछ ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला ठीक है मतलब अडेप्टेबल आप इस तरह से समझ लीजिए हताश तो आप समझ रहे हैं कि परेशान हो गया निराश हो गए हैं श्रोता मतलब सुनने वाला जैसे की हम लोग अभी वक्ता है और जो आप लोग सुन रहे हैं आप, आप श्रोता हैं या फिर आप हमें देख भी रहे हैं तो आप तो हमारे दर्शक दर्शक भी, भी हाँ तो लेकिन दोनों चीजें कर रहे हैं अभी जैसे पहले ऑडियो आपको सुनाई तो उसके हिसाब से आप श्रोता थे तो श्रोता और दर्शक दोनों है लेकिन श्रोता को अगर और स्पेसिफाई कर दिया जाए तो सुनने वाला लिस्नर से है मौलिक मतलब ओरिजिनल ठीक है और दार्शनिक फिलोसफर बिल्कुल जी सर बच्चों के लिए होमवर्क भी लेना चाहेंगे आपसे हम्म तो गृह कार्य है हमारे छात्रों के लिए पहला प्रश्न है दोनों दोस्तों ने कौन कौन से काम को अपना धंधा बनाया ठीक है किस काम को उन्होंने धंधा बनाया जो अभी आपने व्यंग में पढ़ा और समझा भी दूसरा प्रश्न है टॉर्च बेचने वाले ने टॉर्च बेचना क्यों छोड़ दिया था जी अंत में उसका एक क्यू भी आपको मिलता है और साथ ही हमारे विशेष छात्रों के लिए संशोधित गृह कार्य भी है जी पहला प्रश्न है टॉर्च बेचने वाला पार्ट किस विधा की रचना है जी। सरल विधा की रचना है दर्दनाक विधा की रचना है व्यंग विधा की रचना है ठीक है दूसरा आसमान को छूता सवाल कौन सा था जो अभी आप बात कर रहे थे मुहावरे की जी। तो मुहावरे से ही मैंने प्रश्न लिया है कि आसमान को छूना आसमान को छूना एक मुहावरा है ना तो ऐसा वो कौन सा सवाल था जो आसमान को छू रहा था क घर कैसे सजाया जाए ख पैसे कैसे कमाए जाए या ग कहां घुमा जाए तो बच्चों आपने अपना दोनों ही तरह का होमवर्क जो है वो नोट कर लिया होगा विशेष बच्चों के लिए यहाँ संशोधित गृह कार्य भी दिया गया है और क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अब आप जान लें कि गृह कार्य को आपको किस फॉर्मेट में सबमिट करना है पहले आपको अपना नाम देना है उसके बाद कक्षा स्कूल का नाम और पता नीचे आपको शिक्षक का नाम देना है एक्सपर्ट के नाम के तौर पर आप सर हिम्मत सिंह नेगी का नाम दें आज के सत्र की तारीख व समय फिर उसके बाद आपका फोटोग्राफ जो कि वैकल्पिक है इस होमवर्क को आप हमें सबमिट कर दें डी टी एच डॉट क्लास इलेवन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो बच्चों ये तो आपकी क्लास रही टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम हिंदी के सत्र में हमने पाठ पढ़ा टॉर्च बेचने वाला मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़े आज के एक्सपर्ट सर हिम्मत सिंह नेगी का आप फ्रीलांस लांस कंसल्टेंट टीचर हैं सर बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद आज के सत्र के लिए धन्यवाद मैम आप सभी को ई शैक्षिक कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगी ये ई कंटेंट प्रतियोगिता आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं ये सी आई टी एन सी आर टी की ओर से घोषित की गई है और हमें इसे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये कंपटीशन जो है अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता है जिसे सी आई टी एन सी आर टी इस वर्ष के लिए घोषित कर चुका है यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, या फिर छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप अपनी प्रतियोगिता के लिए सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए और प्रवेश पत्र के लिए कृपया आप सी आई टी की वेबसाइट देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यू आर कोड को स्कैन कर भी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं प्रविष्टया भेजने की अंतिम तारीख तीस जनवरी दो हजार चौबीस है आप स्क्रीन पर मेरे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर सावरी को देख रहे हैं सावरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए मैं सृजन राजपूत इससे पहले कि आपसे अनुमति लूं पर आपको ये बता दूं कि हमारा दो बजे का जो लाइव सत्र है वह रहेगा कक्षा एक के बच्चों के लिए उर्दू का जिसका विषय होगा चांद का बच्चा तो आप यूं ही हमारे सभी लाइव सेशन से जरूर जुड़े मैं सृजन राजपूत आपसे चाहूंगी अनुमति नमस्कार